सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे को नई वीडियो में। दोस्तों आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको प्ले स्टोर में एक प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है जब भी गाइस आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करने जाते हैं, यहाँ पर आपको इससे एरर शो कर देता है, दिस ऐप इज नॉट कंपेटेबल विद योर डिवाइस एनीमोर, कॉन्टेक्ट द डेवलपर फॉर मोर इन्फो। ठीक है, अगर आपको भी प्ले स्टोर में इससे एरर शो कर रहा है तो आज की मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप उस ऐप को इंस्टॉल कर पाएंगे, कैसे आप इस एरर को फिक्स कर पाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको रीजन बताने वाला हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम क्यों फेस करने को मिलती है। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर लेना। सो गाइस, इसके लिए आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका रीज़न बता देता हूँ कि आपको प्रॉब्लम क्यों फेस करने को मिलती है। तो गाइस, यहाँ पर सपोज कर लीजिए कि आपका मोबाइल जो है एंड्रॉयड 9 है, ठीक है, और जो ऐप आप इंस्टॉल करने के ट्राई कर रहे हैं वो यहाँ पर एंड्रॉयड 10 के लिए बने, तो सिंपल सी बात है आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर आपका वर्जन छोटा है और उस ऐप का वर्जन ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, तो आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए गाइस आपका एंड्रॉयड 10 होना जरूरी है। अगर वो ऐप एंड्रॉयड 10 के लिए बनी है तो ही आप उस ऐप को इंस्टॉल कर पाएंगे। ठीक है, बाकी गाइस यहाँ पर अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी जो मोबाइल है, मोबाइल का वर्जन एंड्रॉयड 10 है और जो ऐप आप इंस्टॉल कर रहे हो वो एंड्रॉयड 10 के लिए बनी, फिर भी नहीं हो रही है, फिर भी आपको एरर शो कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या करना है मैं बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको सेटिंग्स ओपन करनी है। सेटिंग्स ओपन करने के बाद आपको अबाउट फोन में जाना है। अबाउट फोन में जाने के बाद गाइस यहाँ पर आपको एम आई वर्जन मिलेगा, क्योंकि मेरा एम आई का मोबाइल में, तो यहाँ पर आपको इससे चले जाना है। ठीक है, यहाँ पर आते ही आपको शो करेगा नो अपडेट अवेलेबल। ठीक है, यानी कोई भी अपडेट अभी नहीं आया है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी अपडेट करके रखा हुआ है एम आई 14। ठीक है, अगर आपके मोबाइल में अपडेट आ जाते तो आपको सिंपली अपडेट कर लेना है। अगर आप अपडेट नहीं करते तो शायद आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है, इसलिए जो भी अपडेट आए आप उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, ये काम करने के बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद एक बार चेक कर लेना कि आपकी प्रॉब्लम फिक्स हुई है नहीं हुई है। ठीक है, अब सेकंड काम आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको यहीं पर जाना है, स्टोरेज मिलेगा। स्टोरेज जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर अगर आपकी स्टोरेज फुल है तो भी आपको यह शो कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपका स्टोरेज का खाली रहना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर तो ये काम आपको कर लेना है। उसके बाद गाइस आपको करने के बैक करना है। बैक करने के बाद अगर इससे भी आपका काम नहीं बनता है तो स्क्रॉल डाउन करना है थोड़ा, और यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा ऐप्स का, आपको ऐप्स पर क्लिक करना है। गाइस यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको मैनेज ऐप्स मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैनेज ऐप्स आ चुके हैं, आपको सर्च करना है सिंपली यहाँ पर प्ले स्टोर। ठीक है, प्ले स्टोर हम सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर गाइस प्ले स्टोर आ चुका है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते गाइस आपको नीचे मिलेगा क्लियर डेटा। अगर आपको यहाँ शो नहीं करता तो आपको स्टोरेज में जाना है और यहाँ पर मिल जाएगा क्लियर डेटा। अब आपको इस पर क्लिक करने के बाद क्लियर ऑल डेटा कर लेना है। ठीक है, ये काम आपको कर लेना है। क्लियर ऑल डेटा करने के बाद यहाँ पर आपको फोर स्टॉप मिलेगा, इस पर क्लिक करके फोर स्टॉप कर देना है। तो गाइस बस आपको यही काम करना है और आप देखिएगा आपकी प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगी, आप उस ऐप को इजीली इंस्टॉल कर पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और अगर आपको फिर भी देखने को मिल रही है, इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या है मैं बता देता हूँ। आपको बैक करना है, कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कर लिया क्रोम ब्राउजर ओपन। अब गाइस आपको करना है क्या, सिंपली यहाँ पर सर्च करना है। सपोज कर लीजिए आप व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर रहे थे, यहाँ पर आपको लिखना है व्हाट्सएप डाउनलोड APK फॉर एंड्रॉयड। यहाँ पर गाइस बहुत सारे आपको वर्जन मिल जाएंगे, जिस भी मतलब एंड्रॉयड वर्जन है जो आपके मोबाइल का, वो आप यहाँ से लिख दीजिए। यहाँ पर सपोज कर लीजिए आपका 10 है तो यहाँ पर आपको लिख देना है एंड्रॉयड 10। ठीक है, ये करने के बाद यहाँ से बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी, आप किसी को भी ओपन करके यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, आपकी ऐप जो है इजीली इंस्टॉल हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। सो गाइस बस आज की वीडियो में इतने बताना था, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल।